शिवपुर स्थित कासीराम आवास विकास कॉलोनी में इन दिनों समस्याओं का अंबार बना हुआ है। बता दें कि साल 2011-12 में कासीराम आवास शहरी गरीब आवास योजना को तत्कालीन बसपा सरकार ने बनवाया था। कई हजार गरीबों को यह कासीराम आवास में रूम अलाटमेंट किया गया था, लेकिन उस समय तो सारी सुविधाएं कासीराम आवास में रहने को मिली, लेकिन जो सुविधाएं मिली वह धीरे धीरे समाप्त होती गई। फिर सपा की सरकार आई, सपा की सरकार में भी कुछ सुविधाएं मिली, लेकिन सपा सरकार में भी सुविधाएं कम होती चली गई। भाजपा की सरकार 2017 में बनी और लोगों को कई अच्छी अच्छी प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत सुविधाएं मिली, फिर सुविधाएं भी कम होती चली गई। यह सिलसिला लगातार अब तक चला आ रहा है। हालत यह है कि जो कासीराम आवास की बिल्डिंग बनी है वह अब धीरे धीरे दरार पड़ने लगी है और बीच बीच में दीवार फटकर निकल गई है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करता है कि हम साफ सफाई और दवा का छिड़काव करवाते हैं, लेकिन कासीराम आवास फेज वन में सीवर का पानी ऐसे बजबजा रहा है कि सड़क और पानी इतना दुर्गंध फैला रहा है कि दर्जनों लोग बीमारियों का शिकार हो गए और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि हमने पार्षद को और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना भी दी, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं लगा। आज उसका खामियाजा, हम लोग कई बीमारियों से ग्रसित होकर परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में पड़े हैं, न ही इस पर नगर निगम के अधिकारी सुन रहे, न ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कभी नगर निगम के कर्मचारी दवा का छिड़काव भी नहीं करने आए और न ही साफ सफाई करने आए। अब हम लोगों को मजबूरी है कि इस हालात में रहना है, क्योंकि यही हमारा छांव है और यहीं पर हमको जीना मरना है, चाहे स्वास्थ्य विभाग आए या ना आए। समस्याएं तो देखिए यहाँ पर यह है कि यहाँ के जितने भी आवास में रहने वाले लोग, हर लोग यहाँ गरीब हैं। यहाँ की महिलाएं जो है जो झाड़ू पोछा करके अपनी जीविका चलाती हैं। अगर वो सुबह चली जा रही हैं 8 बजे जो है, तो शाम को आ रही 6 बजे 7 बजे आती हैं जो है, तो वो क्या एक पंखा एक बल्ब जलाती हैं तो उनका कितना बिल होना चाहिए? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200 बिल आ जाए। लेकिन लोग जो इतनी अधिक बिल जो है, पहले तो बिल भेजे नहीं है, अचानक जो है एक साथ लोग को नोटिस, कोई को 70,000 का, किसी को 65,000 का जो है भेज दिए, किसी के ऊपर जो है नोटिस भेज दिए, मुकदमा कर दिए जो है। मेरे पास भी नोटिस आया था जो है कि आप अगर नहीं जमा करेंगी तो आपको जेल कर दिया जाएगा। हम कहा ठीक है, जो है जो पैसा देता है वो चोर नहीं है, पैसा लेने वाला चोर है, हम तो पैसा दे के जोड़वाए हैं। तो किसी अधिकारी के नाम आपने प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? जी हाँ, किसके यहाँ? हमने जो है बिजली विभाग को भी दिए हैं, जिला अधिकारी को भी दिए हैं। सबका दिए? अरे ये एक महीना से ऊपर हो रहा है। एक महीने से ऊपर हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं। जो हमारी पीड़िती बहनें, लाइट हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, पानी हमारे जीवन का सबसे अहम मुद्दा है, जब तक ये नहीं रहेगा हमारा जीवन बेकार है, बिन पानी बिन लाइट का चल नहीं सकते। तो ये बहनें किससे मांगने जाएंगी? जब अगर मीटर वालों का 2,000, 2,500, 1,000 आ रहा है तो ये बहनें किससे मांगेंगी? और अगर ये बिजली वालों से कहती हैं तो वो लोग आते हैं, कोई काटता है कोई जोड़ता है, बिन नोटिस दिए हुए यहाँ का मीटर उखाड़ के ले जाया जाता है। जो हमारी बहनें ये जूझ रही हैं, कोई है भी नहीं, उसका भी बिल आ रहा है, मनमानी मीटर उखड़ रहा है, मनमानी जा रहा है, तो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं। किसी का अब जिस घर में ताला बंद है उसकी कोई जांच नहीं है, उस घर में कोई जांच नहीं है, नए से पुराना यहाँ 3,000 आवास है, लेकिन आधे से ज़्यादा अगर सही तरीके से इसकी जाँच की जाए, लखनऊ से आगे से जाँच आएगी तो इससे आधे से ज़्यादा कुछ दलाल है जो इसको 4 रूम 5 रूम किराए पर दिए हुए हैं, और इन सबों की मिली भागदारी के वजह से ये सब हो रहा है।